का ज्यादा यूज हुआ है कम्पेयर टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो हम मैकेनाइजेशन तो कर रहे हैं, साथ साथ में पॉल्यूशन भी ला रहे हैं। जहां जहां आपको स्पेशल डीजल लेते हैं, जैसे कि काफी जगह लोग डीजल मैं बोलूँ किसने बोल, ठीक है। तो हाँ, जो आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो डिक्लेयर करने के लिए कि CSIR-CMERI को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लाया गया है, क्योंकि हम लोगों ने एक सोलर ट्री बनाया है। वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री है, और ये खुशी भी है कि पहले वाला सोलर ट्री भी अगर हम रैंक में रखेंगे तो सेकेंड नंबर पर भी हमारा ही आएगा। अब इसको 53.6 किलोवाट का इसलिए बनाया है कि ताकि एक अच्छा खासा जो जरूरत होता है एग्रीकल्चर में उसकी सेटिस्फेक्शन भी मिले या उसको पूरा किया जा सके। इससे आप कोल्ड स्टोरेज चला सकते हैं, इससे आपके ड्रोन की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, इससे आप ट्रैक्टर्स को ट्रैक्टर की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, और इसमें काफी पंप सिस्टम को भी ऑपरेट कर सकते हैं एक साथ। इरीगेशन के लिए पंप चाहिए, या अगर आप फिशिकल्चर कर रहे हैं उसके लिए पंप चाहिए, तो उन सबको किया जा सकता है। और ये फ्यूचर हम इसको मान के चल रहे हैं, क्योंकि क्यों ऑलरेडी एक डिमांड है। आपका जो डेवलपमेंट दिखता है एग्रीकल्चर में, डेवलपमेंट जो भी दिखता है वो दिखता है कि पर किलोवाट एक हेक्टर में कितना किलोवाट आवर एनर्जी यूज की जा रही है। जो इंडिया में 2.76 अभी का आंकड़ा है, बट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 4 किलोवाट पर हेक्टर जाना चाहिए। तो जो उसका गैप है इंडिया में अभी वो ऑलमोस्ट 130 गीगावाट है। अगर हमें 2030 तक 130 गीगावाट करना है और उसको हम डीजल इंपोर्ट करेंगे तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाएगा। उस हिसाब से ये सॉल्यूशन डाला गया है। ये सोलर बेस्ड है और ये ऑलमोस्ट 1 किलोवाट जो है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सेव करता है पर ईयर, वो कम करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड मैं गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सिडी दी जाए इस पे, ताकि सारे फार्मर्स इसको अवेल कर पाए और लगा पाए अपने फील्ड। ये करीब 200 यूनिट पैदा करता है पर डे, ऊपर नीचे थोड़ा होता है, ऑन एवरेज 200 यूनिट पर डे करता है। और अगर हम यानी मोटा मोटा देखें तो 60,000 यूनिट्स पर ईयर करता है। नहीं, इसलिए हमने एवरेज किया। जैसे अभी काफी टाइम बारिश में आपका रेडिएशन इतना नहीं होता तो उसमें एनर्जी कम हो जाएगी, बट साथ साथ में ये भी होता है बारिश में अपने आप ही पैनल क्लीन होते जाएंगे तो मेंटेनेंस कम हो जाएगी। और जब बहुत ज्यादा धूल मिट्टी चढ़ती है तो क्लीनिंग ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो आपको अगर वंस इन अ वीक क्लीन करते रहेंगे तो पावर जनरेशन अच्छा रहेगा। इसमें हम लोगों का कॉस्ट इंक्लूडिंग GST किया है करीब 40 लाख रुपए का है। और बेनिफिट किसको होगा? अभी तो हम अपने यहाँ पावर सप्लाई कर रहे हैं। हमने पहले कॉलोनी में मिनी ग्रिड बनाया था 50 किलो वाट पे, जो अराउंड 35 फैमिलीज को एनर्जी देते, तो उसमें हम सीधा ग्रिड से नहीं लेते थे।
उसमें बायोडीजल और इसका हाइब्रिड कॉम्बिनेशन करते थे. अभी इसको हम ग्रिड में फीड करते हैं, तो जितना यूनिट कंज्यूम करते हैं उसमें से 200 यूनिट पर डे कम हो जाएगा.